हेलो, गुड मॉर्निंग। आज दिन है सैटरडे और तारीख है 11 और टाइम हुआ है 8:30 बज रहे हैं। सेकंड सैटरडे है आज, मैं जाऊंगी नहीं। और बात फिर करते हैं उसकी उसकी, ठीक है? हाँ, तो एक बात बताऊँ तुझे, तुम जो रिकॉर्डिंग सुना रही हो वो रिकॉर्डिंग अयूब जी की नहीं है। वो तो आवाज़ ही नहीं लग रही, उनकी आवाज़ ही दूसरी है। सुनने वालों ध्यान से सुनो, वो रिकॉर्डिंग अयूब जी की नहीं है। वो पता नहीं किसकी रिकॉर्डिंग है, हमें नहीं पता, ठीक है? और एक बात बताऊँ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ऐसा लग रहा है मुझे तो जैसे TRIPL14 की तरह तुम भी अपनी वीडियो पे आ गई हो, वीडियो बनाने पे आ गई हो। जिस तरह से TRIPL14 सतानी साहब की फोटो, बच्चे की फोटो, सबकी फोटो डालती थी, इसी तरह से तुम आ गई हो। पता है उनका उसका क्या हाल हुआ है? समझ में आई? इसी तरीके से उनकी फोटो तुमने लगाई है, वो स्ट्राइक देखिए क्या करती हैं। बेफिक्र रहो, उनकी फोटो तुमने अपने थंबनेल पे लगाई है, गलत किया है, ये गलत किया है। और इस तरीके जो कहना है सच्चाई से कहो, सही से कहो, जो सही बात है। अभी तक तुम बिल्कुल सही अपने विचार व्यक्त कर रही थी। अरे तुम क्या जानो, तुम क्या जानो शादीशुदा जिंदगी के बारे में? तुम इतनी बातें कैसे कर रही हो? तुम क्या जानो, तुम्हारे ना औलाद है ना तुम्हारी शादी हुई है। तुम क्या जानो बच्चों के बारे में? तुम क्या जानो हस्बैंड के बारे में? बच्चे हैं, हस्बैंड हैं जो तुम बात कर रही हो? इस तरीके से शर्म आनी चाहिए तुम्हें, समझे? और कह रही है गंदा खून, हराम की औलाद, शर्म आनी चाहिए। अरे तुम्हें पता है तुम कहाँ की हो, तुम किसकी औलाद हो? बहुत गलत बोल रही हो तुम। यही बात तुम्हें कह दी जाएगी तो तुम्हें बहुत मिर्ची लगेगी। और कह रही है कि उनके जो चमचे हैं उन्हें मिर्ची लग रही है। बात मिर्ची लगने की नहीं है, बात सच्चाई की है। मिर्ची लगने की बात नहीं, मिर्ची लग रही हैं, अंधे हैं, कह रही हो। वो तो अंधे हैं, हाँ अंधे हैं, लेकिन दिमाग में गोबर नहीं भरा हुआ है, ठीक है? तुम्हारी तरह, समझ में आई? शर्म आनी चाहिए इस तरीके से बोलना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं कुछ भी। किसी को अगर कोई खुशी से जीना चाह रहा है तो उसे जीने नहीं देती, उसे क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी इंटरनल लाइफ में, उसकी पर्सनल लाइफ में घुस घुस के उससे बात करते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में मैं आज घुसी हूँ, मैं आज से पहले नहीं घुसी। जो मैंने कहा कि आप शादीशुदा जिंदगी के बारे में जानती हो, क्या शादीशुदा जिंदगी होती है, क्या औलाद का सुख होता है, तुम जानती हो औलाद के बारे में? आज मैंने कहा है। जो तुम बुलवाना चाह रही हो ना, सारा जी को प्रवोक कर रही हो, है ना? फिर वो किसी लिए कर रही हो कि ताकि वो बोले। अब बोले तो हमें कंटेंट मिले, और कंटेंट मिले तो हम फिर पब्लिक के सामने आए। जी नहीं, वो नहीं बोलेंगी, वो ऐसा नहीं करेंगी, वो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा जैसा तुम चाह रही हो। और वो जब नहीं इतना बोली, जब उनके पास उनके शोहर नहीं थे, अब तो शोहर है उनके पास, क्यों बोलेंगी वो, ये बताइए आप। TRIPL14 की तरह तुम कर रही हो। अरे तुम हो ही उसकी तरह, तुम हो ही उसकी तरह, समझे? कितनी गंदगी पर उतर रही हो, ये पब्लिक को दिख रहा है। कितनी नीचे आपका स्तर गिर गया है केवल एक व्यूज पाने के लिए, वो दिख रहा है। समझ में आई? शर्म करो यार, शर्म करो, शेम शेम। और बात करते हैं मर्दानगी की। क्या होता है मर्दानगी, क्या मर्दानगी का शब्द, तुम कैसे जानो इस बारे में? तुम तो एक बैचलर लड़की हो, तुम तो कहती हो ना मेरे शौहर है ना मेरे औलाद है, मैं तो अपने किसी के साथ घर में रहती हूँ। क्या जानो क्या होता है मर्दानगी? तुम अच्छी तरह से जानती हो मर्दानगी के बारे में अयूब जी की, हैं? कितनी कितने लोगों की मर्दानगी के बारे में जानते हैं? शर्म करो, शर्म करो, शेम शेम शेम। तुम तो एक शरीफ औरत हो यार, तुम ऐसी बातें तुम्हारे मुंह पे शोभा नहीं देती। बहुत अच्छी औरत हो तुम, बहुत शरीफ औरत हो, मर्दानगी जैसा शब्द तुम्हारे मुंह पे जो है शोभा नहीं देता एक अच्छी लेडी के, एक शरीफ औरत के। जो तुम शराफत है तुम्हारे चेहरे से झलकती है, तुम्हारी बातों से झलकती है, तुम्हारी वीडियो से झलकती है, उस शराफत को देखते हुए तुम्हारे मुँह से ये शब्द जो है वो शोभा नहीं देते। और एक बात बताऊँ, मैं सबको मत घसीटूँ वीडियो में, सबको मत घसीटूँ। सायरा जी से प्रॉब्लम है, अयूब से प्रॉब्लम है, उन्हीं के बारे में बात करो। ये नहीं कि उनकी बहू को भी घसीट गई हो, बहू यानी कि अली से जिससे शादी होने वाली, अली को भी घसीट गई हो, सत्तानी साहब को भी घसीट गई हो, सबको घसीट रही हो जो कि दुनिया में नहीं है, महरूम हो चुके, उनकी फ़ोटो डाल डाल के आप उन्हें भी घसीट रही हो। ये सही नहीं है तुम्हारा। जिस पे बात करना चाहती हो करो। और बात रही अब आती है मंगलसूत्र की, कि मंगलसूत्र पहनाया, करवा चौथ मनाई। देखिए यहाँ आप बीच में
धर्म को ले आइए। जो सही लोग होते हैं वो ईद भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, करवा चौथ भी मनाते हैं, समझे। मेरे यहाँ ईद की सेवैये भी खाती हूँ मैं, और जो मेरी फ्रेंड है वो मेरी दीपावली की मिठाई भी खाती है और होली की गुजिया भी खाती है, समझ गए। बात रही मंगलसूत्र की, उनका दिल है मंगलसूत्र पहना या ताबीज पहना, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है। एक ही बात को कुछ नहीं घसीटती चली आती हो, घसीटती चली आती हो, समझ में नहीं आता चाहती क्या हो। कभी मरियम जी की बात करती हो है, कभी बॉस की बात करती हो, कभी किसी की बात करती हो, या क्यों करती हो किसी की बात, सबको क्यों घसीट रही हो। अब बात कह रही है कि कूदने की, वो कूद रही थी, हाँ वो कूदेंगी, उनकी टांगों में जान है, वो कूदेंगी, तुम नहीं कूद सकती क्योंकि तुम ऐसी हो, तुम कूदोगी तो बहुत फर्क पड़ेगा, कूदो वेट लॉस होगा, कूदने से वेट लॉस होता है, समझे। वो कूद रही हैं, कूदने दो, समझ में आई। और बात आई मियाँ बीबी की, तो एक बात बताऊँ, मियाँ बीबी की लड़ाई लड़ाई नहीं होती, कभी लड़ाई नहीं होती, वो लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं। उनकी लड़ाई में जो दूसरे फ़ायदा उठाते हैं, जो दूसरे बोलते हैं, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई हुई थी कोई बात नहीं, अलग हुए थे कितने टाइम के लिए, एक साल के लिए, तलाक, मैंने बहुत से ऐसे परिवार भी देखे हैं, तलाक हो जाती है, अलग हो जाते हैं, फिर एक हो जाते हैं। तो ये तो सायरा जी एक साल के लिए हुआ था, एक दूसरे को वक्त मिला, स्पेस मिला, रिश्तों में स्पेस मिलना जरूरी होता है, उसका लोगों ने फ़ायदा उठाया है ना। अब वो एक हो गए, कोई लड़ाई लड़ाई थोड़ी होती है, अगर वो एक दूसरे को गलत भी कह रहे थे, कोर्ट में खड़े होकर एक दूसरे को इतना इतना गलत बोल देते हैं, फिर एक हो जाते हैं। गुस्सा होता है ना, गुस्सा होता है, तो वे उस दिन बुरी लगी थी, कितनी बुरी बुरी बातें कह रही थी, गुस्से में कह रही थी, जब वो बात आई थी कि मुझसे निकाह करना चाहती थी और मैंने मना कर दिया, उस बात पे कहा था ना, गुस्सा आया था ना, ऐसे ही उन्हें गुस्सा आया था। जब उनके बेडरूम की बातें, पर्सनल बातें बाहर निकाली थी, उनके हस्बैंड ने निकाली थी ना, कोई बात नहीं, अगर गलती का रिलाइज हो जाता है कोई बात नहीं, घर बनाने से अच्छा होता है टूटने से अच्छा नहीं, समझे। क्योंकि टूटने से बच्चों पर भी बहुत असर पड़ता है, कभी किसी की मजबूरी होती है जो टूट जाता है, बहुत मजबूरी होती है जो जोड़ने लायक ही नहीं होता। अगर उन्होंने रियलाइज किया युग जी ने सायरा जी के साथ अपनी गलती का, आ गए, बहुत खुशी की बात है, मैं तो ताली बजाती हूँ। तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, तुम फिर कोशिश कर रही हो वो सब कुछ कहने की कि अयुब ने ऐसा कहा, अयुब ने वैसा कहा, तुमने फिर उसे घर में घुसा लिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये कह रही हो ना। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको एक फिर अच्छी सुबह के साथ, अच्छी बातों के साथ और अपनी एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय।